बेड़ो के खक्सी टोला स्थित टाना भगत सहित स्मारक स्थल पर मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मांडर विधायक बंधु तिर्की पहुंचे। टाना भक्तों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया, साथ ही शहीद स्मारक स्थल तक पूरे पारंपरिक विधि विधान के साथ लाया गया। यहाँ आने के बाद महात्मा गांधी के स्मारक पर माथा टेकते हुए माल्यार्पण किया, उसके बाद पुष्प अर्पित की। आम ग्रामीणों के साथ साथ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि टाना भगत महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए भारतवर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार को जो मदद उन्हें देना चाहिए वह अभी भी अधूरा है। वहीं टाना भक्तों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं को जाना और यथाशीघ्र प्रशासन से मदद की आदेश दिए। कहा कि इन लोगों को आवास, पेंशन और आहार में दिक्कत न होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में टाना भगत तो साथ रहे ही, साथ ही बेड़ो के वीडियो विनोद सोनी भी अग्रसर रहे और लोगों की समस्याओं को जाना और उसे जल्द निवारण की बात कही। पेश है हमारे संवाददाता मनीष के साथ सहयोगी रवि की रिपोर्ट। जरूरी है, आप लोग एक तो मीटिंग हॉल तो बहुत जरूरी है, पानी भी जरूरी है और शरीर को जतना जो है सही हुआ है उसको घेरा करना चाहिए, सही सुंदरीकरण बनना चाहिए। कि हमको कहा से समय हमारा लड़का लोग दियो भाई का छाव में है और वहाँ उम्मीद है। अच्छा, पहले वाली जो सरकार थी इसके पहले जो आप लोग कर रहे थे उस समय तो रघुवर जी को आना था लेकिन नहीं आए थे, तो आप लोग में आक्रोश था? आक्रोश तो नहीं थी लेकिन फिर हाँ हल्का था उस समय। ये जी आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? तो आज आप तिर्की जाए हैं तो क्या लगता है कि अब काम होगा ना? कैसा स्थान रखता है आपका? ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विशेषकर जो आज़ादी के लड़ाई में टाना भक्तों का जो भूमिका है इससे इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है पूरा, और इनको सम्मान निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जो चीज़ें इसके लिए लंबी लड़ाई इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, इस सरकार के माध्यम से मैं इनकी बातों तक पहुँचा दूँगा। और जहाँ तक इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सवाल है, इसको हम लोग यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठ करके प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के बैठ एक प्लान बनाएंगे और इस पर बहुत जल्द हमें इसको बेहतरीन करने का हम लोग यहाँ एक हम लोग अधम संकल्प लेते हैं। दूसरी बात है कि एक आवासीय आपका जो महात्मा गांधी जी का इंस्टीट्यूट है उसको भी हम लोग नया तरीके से। सर, इसके पहले वाले जो स्थापना दिवस मनाई जा रही थी तो उस समय के मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास जी वो ऐन वक्त पे नहीं आए थे, तो काफ़ी भक्तों में आक्रोश था। तो उनका कहना था कि सर जो आते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, अदरवाइज फेल हो जाते हैं, आप तो सर आए हैं तो यहाँ के जो लोग हैं जनता है टाना भगत है क्या अपेक्षा? मेरा ही शुरुआत किया गया है, सामने वाला देख लीजिएगा जमीन पर के डी गुरु आज नहीं है जी, हमको याद है इसके बारे में। प्रेसिडेंट रूल वगैरह लग गया था और मोराबादी मैदान में जो स्टैचू लाया गया महात्मा गांधी जी का, मेरा ही मेरे अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ है, चाबी भी नहीं मिला है। तमाम चीजों के बारे में हम चिंतन मंथन करेंगे, निश्चित रूप से इस बार इसका काम दिखेगा, अगला बार जब आएंगे तो परिवर्तन नजर आएगा। तो ये हमारे साथ अभी बोल रहे थे मांडर के विधायक बंधु तिर्की जी, इनका कहना है कि हम संकल्प लेते हैं कि अब्बर निश्चित रूप से इसमें कार्य दिखेगा, अब्बर उदास नहीं किसी को झेलना।